देखिए, बिश्नोई समाज जो है बहुत अच्छा समाज है कि अगर से धर्म से संबंधित कोई बात हो तो मैं ये मानता हूँ कि सलमान ने पॉलिटिकल विंग से ज़्यादा उस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करना या किसी और लोगों से उस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करना, इसमें उसने पढ़ना नहीं चाहिए। आपका क्या इशारा बिश्नोई कम्युनिटी की तरफ है? जिस तरीके से उनको आए दिन धमकियां मिलती रहती, उनके घर के बाहर फायरिंग भी हुई, और अभी आपने बाहर आने के बाद तो सुना ही होगा कि जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी जी के ऊपर अटैक हुआ और वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप शायद अंदर थे, आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा, बाहर आने के बाद आपको पता चला होगा। देखिए, लोगों का ये भी कहना है कि एक बार जो 90s के दशक में था, गैंग वॉर्स होते थे और एक अंडरवर्ल्ड के डॉन का दबदबा बनाने की एक जरिया हो रहा था, वो कहीं ना कहीं लोग अब सेफ महसूस नहीं कर रहे मुंबई सिटी को। ऐसा लग रहा है जैसे कि फिर से वही दशक तो वापस नहीं आ गया। दो तीन चीजें आपके सवाल तीन आपके कहने में तीन सवाल जी। एक सवाल का जवाब तो मैं स्पष्ट तौर पे दूंगा कि बाबा सिद्दीकी का जो जीवनी है वो तो मैंने बहुत ज्यादा पढ़ी नहीं है, तो उनके बारे में ब्लैक एंड वाइट वो तो तहकीकात वाली एजेंसी तय करेंगी कि क्या उनकी हत्या रीडेवलपमेंट से संबंधित है या उनकी हत्या बॉलीवुड से संबंधित है या उनकी हत्या किसी और वजह से संबंधित है। और दूसरा जो आपका सवाल था कि सलमान के बारे में, देखिए बिश्नोई समाज जो है बहुत अच्छा समाज है, हम उस समाज के पंडितों की बड़ी पुरजोर इज्जत करते हैं, उसी तरह हम सारे समाज की इज्जत करते हैं, क्योंकि भारत का संविधान हर समाज के वर्ग को अपनी बात रखने की पूरी इजाज़त देता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर से धर्म से संबंधित कोई बात हो तो मैं ये मानता हूँ कि सलमान ने पॉलिटिकल विंग से ज़्यादा उस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करना या किसी और लोगों से उस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करना, इसमें उसने पढ़ना नहीं चाहिए। मैं सलमान से यही कहूँगा कि इस चीज़ को सुलझाने के लिए जो धर्म से रिलेटेड है या किसी इंसिडेंट से रिलेटेड है, तो पूज्य शंकराचार्य जी है, बहुत से धर्म गुरु है, उनसे इस चीज़ के ऊपर एक डिस्कशन होना चाहिए। और जैसे सलमान ने कहा कि हमें ज़रूरत पड़ सकती है, ज़रूर हम उस चीज के अंदर अगर से हम जरूरत कानूनी तौर पे या धर्म के तौर पे अगर से कुछ सलमान को लगता है कि हाँ हेल्प और डायलॉग चाहिए, तो हम उसके अंदर डायलॉग कर सकते हैं। अब जयश्री जी को जानती है, क्योंकि जयश्री जी एक पहली गर्ल है इस देश की, राज्य की, बंबई की, कि अंडरवर्ल्ड टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में उनका अपना डॉक्टरेट है, और छोटा राजन की वाइफ नानी की वो वकील रह चुकी थी, तो उस वजह से हम जानते हैं कि किस तरह के ये होते हैं, चीज़ें होती है। तो कहने का मतलब ये है कि सलमान को ज़रूरत हुई तो उस चीज़ से वो ये कर सकते हैं। लेकिन ये जो आए दिन उनको थ्रेट कॉल्स आते रहते हैं, फायरिंग होती रहती है और उनकी जान को भी खतरा, अब उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है, तो क्या कहेंगे आप कि ये जो बाहर बैठ के लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बिहाफ में बोलते रहते हैं कि वो मार डालेंगे उनको, वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे और उनका बदला तभी पूरा होगा, तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं ये कहूँगा कि आपने श्री लॉरेंस बिश्नोई जी का नाम लिया, वो उनका सलमान के संबंधी जो बातें मीडिया में आती है, सुर्खियों में आती है, वो है कि धर्म के बारे में कुछ कही सुनी हो गई या कुछ घटना हुई है। तो मेरा वही तो कहना है कि इस चीज़ को कानूनी तौर के ऊपर तो सलमान अपनी लीगल टीम से देख ही रहे हैं, उसी साथ मैं ये बोलता हूँ कि दूसरी तरफ सलमान ने धर्म के जो पंडित है, धर्म के जो गुरु है, उनसे भी एक अपनी डायलॉग रखना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो हम जैसे खुले दिल के ठेट बोलने वाले जो लोग हैं, हमसे अगर से कुछ पूछे तो हम यही कहेंगे कि बिश्नोई समाज की भी एक इज्जत, एक लाज, जिसके अंदर कोई एक टक्का, 1% की भी कोई बेइज्जती या
क्या कहते हैं हम कि उनको भी कुछ इंसल्ट फील ना हो और उनके भी सोच में इजाफा हो और उसी के साथ सलमान जी को भी कोई अपने जिस तरह से उनको डर लगता है या यंत्रणा जिस तरह से बता रही है वो भी करने उसकी भी फिक्र उनको ना रहे।